सुप्रभात क्लास एट। बड़े घर की बेटी पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन समस्या ये होती है कि जब ऑनलाइन क्लास होता है तो उसमें बहुत भैया बहन जुड़ते नहीं हैं, तो इसलिए फिर पीछे से बताना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि किस तरह से लाल बिहारी जो था वो आनंदी पर गुस्सा हुआ, और आनंदी को भी जब गुस्सा आ गया, आनंदी को भी जब क्रोध आ गया, तो उसका भी मुंह लाल हो उठा और वो बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते। वो संबोधन जो है, या वे संबोधन जो है, वो उसने अपने पति के लिए प्रयोग किया है। भारतीय समाज में यूं भी महिलाएं इस शब्द का प्रयोग अपने पति के लिए करती हैं। यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। आगे है कि अब अनपढ़ उजड़ लाल बिहारी से भी रहा नहीं गया, उसने खड़ाऊं उठाया। खड़ाऊं, यहां ध्यान दीजिएगा कि खड़ाऊं क्या है, तो खड़ाऊं लकड़ी से बना हुआ चप्पल होता है, और खड़ाऊं उठाकर उसने आनंदी की ओर जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर फूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। उसने अपने संबोधन में कहा कि तुम जिसके बल पर घमंड दिखा रही हो मैं उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, उसने हाथ से, देखिएगा स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति को कहीं चोट लगती है या व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे किसी चीज से चोट लग जाएगी तो वो अपने हाथ से रोकने का प्रयास करता है। उसने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया पर उंगली में काफी चोट आई, क्योंकि वो लकड़ी का बना होता है इसीलिए बताए थे। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। क्रोध के मारे, यानी क्रोध से उसका शरीर जो था वो कांपने लगा पत्ते के समान। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक ही है। यहां देखिए लेखक ने बड़े अच्छे शब्द प्रयोग किए कि स्त्री का बल जो होता है, या उसका साहस, या उसका मान और मर्यादा, वो पति तक होता है। उसे अपने पति के ही बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई, यानी उस समय उसका पति वहां पर नहीं था। खून का घूंट पीना यानी अपने क्रोध को शांत करना, अपने गुस्से को पी जाना, अपने गुस्से को संभाल लेना। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे, वो अपने कार्यालय के कार्यों को निपटा करके और शनिवार को घर आते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। दो दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन यानी अपने कमरे से वो निकली नहीं, कमरे को अंधेरे करके रखना। और खास करके ये कोप भवन शब्द का जो प्रचलन हम लोग सामान्य अर्थ में जानते हैं वो केकई से है। केकई कोप भवन में रही थी, तो इसलिए कोप भवन का आसानी से हम लोग वहां पर निष्कर्ष यही निकालते हैं कि वो वहां से निकली नहीं, कुछ खाया नहीं, बस श्रीकंठ की बाट जोहती रही, बाट यानी राह देखती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमों आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, यानी वो बाहर से आते थे और गांव वाले उनसे ये सारी बातों को सुनते थे। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। ये जो 2-3 घंटे का समय था ये आनंदी ने बड़े कष्ट से व्यतीत किए। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठ गई। भोजन का जब समय हुआ तो पंचायत उठ गई, और इधर आनंदी की जो बेचैनी थी वो बढ़ रही थी। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। उसे ये बात पता थी कि उससे गलती हो गई है, और देखिए गलती करने वाला चाहता है कि अपनी गलती को वो पहले सुधार ले, और इसीलिए उसने पहले ही बता दिया। बेनी माधव सिंह ने बेटे की ओर से साक्षी दी, बेटे की ओर से उन्होंने भी गवाही दी, साक्षी यानी गवाही, और कहा कि हाँ बहु बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि वो मर्दों के मुंह लगे, यानी पिता ने भी बेटे का समर्थन किया। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं है। कुर्मी कहार एक जाति का यहाँ पर संबोधन उसने किया है। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर से पूछा, आखिर बात क्या हुई? उनको कोई बात पता नहीं थी, आज के जैसा फोन का युग तो था नहीं। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही उलझ पड़े,
यानी कुछ भी हुआ नहीं, अपने अपने गुस्से में आकर के बोल पड़ी और मायके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं है, यानी मायके की ही प्रशंसा करती, हम लोगों को कुछ समझती नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए, वह भरी बैठी थी, गुस्से से वो पूरी तरह से भरी थी। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा? आनंदी खुद गुस्से में थी और इस तरह की बात सुनकर के उसका गुस्सा और अधिक बढ़ गया। आनंदी की त्योरी चढ़ गई, झुझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाँव तो मुंह झुलस दूँ, यानी उसका मुंह जला दूँ। इतनी गर्म क्यों होती है, बात तो कहो। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो यह एक गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी करने का भी सहूर नहीं है, मुझे खड़ाओं से मार कर यूं नहीं अकड़ता। उन्होंने आगे पूछा कि सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। आनंदी ने बताना शुरू किया कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा, घी हांडी में पाव भर से अधिक भी नहीं था, यानी उसने वो पूरी बात बता दी जो पाठ में प्रारंभ में दिया हुआ है कि किस तरह से हुआ, वो सारी बात उसने बता दी कि किस तरह उसने घी डाल दिया और उसके बाद उसको किस प्रकार से गुस्सा आ गया। इतना सुनने के बाद श्रीकंठ की आंख लाल हो गई, बोले, यहां तक हो गया छोकरे का साहस? भाई को इतना सुनने के बाद गुस्सा आ गया और उसने कहा कि यहां तक छोकरे का साहस हो गया? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी। देखिए, स्त्रियां मन से भावुक होती हैं, उनको जब गुस्सा आता है तो उनको रोना आ जाता है, तो आनंदी जो थी वो स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। यहाँ लेखक के द्वारा व्यंग भी किया गया है कि आंसू जो होते हैं वो स्त्रियों की पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि को भड़काने में घी का काम देते हैं। जैसे क्रोध में यदि स्त्रियां रो दें तो पुरुषों के लिए वो उसी प्रकार का काम हो जाता है जैसे कि यदि आहुति दी जा रही है तो उसमें घी डाल दिया जाए तो वो उसे और भड़काने का काम करती हैं। श्रीकंठ रात भर करवट बदलते रहे, रात काफी हो गई थी, उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी, यानी इनको नींद नहीं आई। प्रातः काल अपने बाप के पास, अपने पिता के पास गए और जाकर बोले कि दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा। वे अपने पिता के पास जाकर के बोले कि अब मेरा निर्वाह नहीं होगा।